मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पूरा भरोसा है कि नाराजगी का चुनाव में कोई असर नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से राज्य में जीत का भरोसा जताया है। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से की है खास बातचीत, सुनिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज तक से बात करने के लिए खासतौर से इस वक्त मौजूद हैं। खासतौर से हम बात करें शक्ति का, शक्ति से शिव मांगे वरदान, वरदान तो आपको हमेशा से शक्ति का मिलता रहा है। आज असली शक्ति बेटियां हैं, बेटी मेरे लिए देवियां हैं, मैं बेटियों में ही देवी के दर्शन करता हूं और ये सदैव हर कार्यक्रम का प्रारंभ बेटियों की पूजन करके करता हूं। ये जीवित जागृत देवियां हैं, हम नवरात्रि में इनकी पूजा करते हैं, लेकिन समाज को ये संदेश भी है कि केवल नवरात्रि पे नहीं, हमेशा बेटियों का मान करें, सम्मान करें, उनको उचित स्थान दें, बहनों का सम्मान करें, आधी आबादी को पूरा न्याय मिलना चाहिए, ये संदेश भी इसमें है समाज को। आप ही की सरकार में कानून बना था कि बच्चियों के साथ अगर कोई गलत करता है तो उसे फांसी की हो, जो बाद में देश में भी फिर लागू हुआ, क्या ये भी उसी का एक रूप था? निश्चित तौर पर जो दुराचारी है उनको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, मासूम बेटियों के साथ अगर कोई गलत हरकत करते हैं तो, इसलिए कड़ा कानून भी, लेकिन हमको कुल मिला के समाज की मानसिकता बदलनी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल, कितना वरदान इस वक्त आपको लगता है चुनाव में महिला शक्ति का शिव को मिलने वाला है? इस कार्यक्रम का चुनाव से कोई संबंध नहीं है, मैं तो हर बहन में देवी देखता हूँ, ये मेरे अंतर का भाव है, लाडली बहनों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा मिलता है।